हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम स्टडी करेंगे एक्सोसाइटोसिस की। सेल बायो एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर जो भी बन रहा है, कंपाउंड है, हार्मोन है, या फिर और कोई अदर केमिकल कंपाउंड है, उसे आप सेल के बाहर कैसे लेके जाएंगे, कैसे इससे बाहर एक्सोसाइटोसिस उसे ही कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो बन रहा है उसे सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहां तक कैसे पहुंचाना है, उसे ही आप बोलेंगे आप एक्सोसाइटोसिस। ओके, अब देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है। सेल बायो का बहुत बेसिक सा पॉइंट है। सेल बायो में आप जैसे ही आप डेप्थ में जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं ये आपसे मिसिंग नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आप आगे जो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो ये ऐसा ही है कि जैसे आप मकान बना रहे हो और आपने नींव कमजोर रख दी है, तो आपको नींव यानी कि कंसेप्ट कमजोर नहीं रखना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद इट। ओके, सो इसमें हम दो पाथवे देखेंगे। एक जो ऑलवेज कैरी ऑन होता है जिसे आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूटिव सीक्रेटरी पाथवे। ओके, यहाँ पर जिसे आप बोलते हो डिफॉल्ट पाथवे। ओके, दूसरा पाथवे होता है आपका जो कि ऑन द डिमांड होता है। सेल के बाहर जब डिमांड चाहिए होती है, जब उस सेल उस पाथवे को चलाती है एट द टाइम पे, एट द स्पेसलेस टाइम पे जो पाथवे चलाया जाता है एक्सोसाइटोसिस का, वो होता है दूसरा पाथवे आपका रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे। ओके, इन दोनों पाथवे से हम एक्सोसाइटोसिस को अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम बनाने के साथ में मैंने पाथवे लिख दी हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे सीक्रेटरी पाथवे और दूसरा है रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे। कॉन्स्टिट्यूटिव को आप कौन सा बोल सकते हैं, इसे डिफॉल्ट पाथवे भी कह सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, देखिए ये आपका ट्रांसगोल्जी नेटवर्क है। ठीक है, ये कौन सा है, ट्रांसगोल्जी नेटवर्क है। अब यहाँ आपकी प्रोटीन बनेगी। ठीक है, इससे पहले ईआर से प्रोटीन्स बनती हैं, वो भी तो उसमें हेल्प करता है, वो प्रोटीन सॉर्टिंग में आप पढ़ लेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है ट्रांसगोल्जी नेटवर्क वर्क करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्रोटीन बनेंगी, उन प्रोटीन को दो पाथवे से आप सेल के बाहर भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बन रही हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी है एक्टिवेटेड बी सेल। ठीक है, एक्टिवेटेड बी सेल्स के द्वारा कुछ लिम्फोसाइट हैं। ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट बनी है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो ठीक है कोलाजन बना है फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा, या फिर आप बोल सकते हो सीरम प्रोटीन बना है हिपेटोसाइट सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो इनको आप कैसे भेजेंगे, देखिए यहाँ से ये प्रोटीन्स हैं किसमें स्टोर होती हैं, ये स्टोर होती हैं आपकी वेसिकल्स में, सीक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, अब ये जो पाथवे है, जिस पाथवे में ये आपकी प्रोटीन्स इस वेसिकल में जाके स्टोर हुई हैं, इसके लिए सिग्नल बाहर से दिया जाएगा। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब एक सिग्नल, स्पेशलाइज सिग्नल शुरू होगा और इस सिग्नल के द्वारा वेसिकल्स को डेस्टिनाइट कर दिया जाएगा कि ये प्रोटीन उसमें आनी है। अब ये जो पूरा पाथवे है इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी स्टडी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इस वेसिकल्स को डेस्टिनाइट कर दिया गया है कि यहाँ पे ये प्रोटीन आनी है, जैसे लिम्फोसाइट प्रोटीन है, कोलाजन प्रोटीन है, या फिर और कोई भी प्रोटीन हो सकती है। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है, या फिर कोई लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पाथवे सीक्रेटरी वेसिकल्स में आपकी ये प्रोटीन्स आ गई हैं, और इस प्रोटीन्स आगे जाके ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जाके इंटीग्रेट हो जाती हैं। और ये किस तरह से होती हैं, बाकायदा धंस जाती हैं और धंस के आराम से इसमें समाहित होके इस तरह से गुंडीनुमा आकृति बना लेंगी, और अपने अंदर जो प्रोटीन्स हैं उन्हें सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाहर मुक्त कर देती है, जहां पे उसकी जरूरत है, जहां पे उसका काम किया जाना है। ठीक है, ओके, तो ये है आपका कौन सा पाथवे, कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे, और भैया ये ऑलवेज कैरी ऑन रहेगा, ये हमेशा शुरू रहेगा। ठीक है, इसीलिए से बोलते हैं आप दूसरे टर्म में डिफॉल्ट पाथवे। ठीक है, डिफॉल्ट पाथवे। ओके, ये तो ऑलवेज कैरी ऑन रहेगा ही। अब एक स्पेशलाइज्ड पाथवे आता है जो
डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे बाहर कोई हार्मोन की जरूरत पड़ रही है तो उस हार्मोन की ये सेल से उसे मंगाना है, तब उस टाइम पे कुछ सिग्नल भेजे जाएंगे और वहां पे वेसिकल्स को, सीक्रेटरी वेसिकल्स को, ये है आपकी वेसिकल्स, कौन सी, सीक्रेटरी, इन्हें यहाँ पे रख दिया जाता है, डेस्टिनेट कर दिया जाता है कि आपको ये प्रोटीन लेके आनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जरूरत थी इंसुलिन प्रोटीन की, या फिर कोई भी एंजाइम मान लीजिए, ठीक है, ओके, यहाँ पे जरूरत है। अब यहाँ पे कोई सिग्नल आएगा, सिग्नल इस वेसिकल्स को यहाँ डेस्टिनेट कर देगा कि यहाँ पे जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क के द्वारा जो सीक्रेटिंग प्रोटीन बन रही है वो यहाँ पे पैक होगी, ओके, अच्छे से पैक्ड होगी इसमें। और जैसा कि मैंने बताया था, ये सिग्नल के थ्रू ये आपकी प्रोटीन इसी में आती है, वेसिकल्स में, और कहीं नहीं जाती है, ठीक है। अब ये इसका जो, ये जो सिग्नल जो मैंने बताया है, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी स्टडी नहीं है, आपको इतना याद करना है, ठीक है, कि जो भी प्रोटीन काम में आनी है उसके लिए कोई वेसिकल्स के लिए सिग्नल भेजा जाता है, उसे डेस्टिनेट कर दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है इस प्रोटीन को सेल के बाहर लेके आना है, ओके ओके। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनती हैं उन्हें आप बोल सकते हो सीक्रेटिंग प्रोटीन, ठीक है, और ये वेसिकल्स हैं, कौन सी, सीक्रेटिव वेसिकल्स। अब यहाँ पे आपकी प्रोटीन आके क्या हो गई है, पैक हो गई है, और पैक होने के बाद में तो अगला जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही है, ये आके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है, और इंटीग्रेट होने के बाद में धंसते हुए घुंडीनुमा आकृति के द्वारा धंस जाती है और अपने अंदर जो भी प्रोटीन्स है उसे बाहर मुक्त कर देती है, जो अगले पाथवे में उसका यूज होने लग जाता है। तो दो पाथवे हुए हमारे पास में, ये कौन सा पाथवे हुआ, ये हुआ आपके रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे। यू फील मी, ओके, तो ये कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे, जिसे आप डिफॉल्ट पाथवे बोलते हैं। तो कितना बेसिक सा है, ठीक है, चीजें बेसिक लगती हैं जब तक आप अच्छे से उन्हें समझ नहीं लेते, ठीक, एक बार समझने के बाद में ऑल थिंग विल क्लियर, इट्स लाइक क्लियर वाटर, ओके। तो हमने क्या देखा, हमने देखा है कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में दो तरह से आप प्रोटीन्स को यूज कर सकते हैं, दो पाथवे यूज कर सकते हैं, और सेल के बाहर जो प्रोटीन आप पहुंचाएंगे वो प्रोसीजर होता है आपका एक्सोसाइटोसिस, ओके। दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, एक पाथवे होता है रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, और ये ऑलवेज ऑन रहता है, इसीलिए से आप बोलते हैं डिफॉल्ट पाथवे, ठीक है। जबकि दूसरा पाथवे कैसा होता है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, सेल के बाहर जब जरूरत होती है किसी हार्मोन की, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर कोई लार्जर मॉलिक्यूल हो सकता है, तब यहाँ पे इस पाथवे को ऑन किया जाता है, उसके लिए वेसिकल्स को जो सेल के अंदर उपस्थित हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इन्हें आप क्या देंगे, आप सिग्नल देते हैं, और सिग्नल देने के बाद में प्रोटीन्स उसी में जाके पैक होंगी, और पैक होने के बाद में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसते हुए जाती हैं और घुंडीनुमा आकृति बनाते हुए अपने अंदर जो भी स्टोर है प्रोटीन्स, सीक्रेटिंग प्रोटीन्स, उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बाहर मुक्त कर देती है, ओके। ये पाथवे आपका रेगुलेटेड सीक्रेटरी पाथवे, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि डिमांड पे, जैसे मैंने बताया इंसुलिन या एंजाइम की जरूरत है तभी ये चलेगा, ऑलवेज ऑन नहीं रहता है। ऑलवेज ऑन कौन सा रहता है आपका, कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे या फिर डिफॉल्ट पाथवे। सो दिस विल बी ऑल अबाउट योर एक्सोसाइटोसिस। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन बिलो, वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियोज, ऑल द टॉक्स अबाउट सेल बायोलॉजी एंड अनदर टॉपिक्स। सो थैंक्स।